नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 19 जुलाई रविवार सुबह 5:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण पर एसओजी संजय जैन को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां पर कोर्ट ने संजय जैन को 4 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। आपको बता दें कि एसओजी ने संजय जैन को कोर्ट में पेश किया, एसओजी ने CMM 2 में पेश किया। आपको बता दें कि ऑडियो टैप प्रकरण में आरोपी संजय जैन ने रिमांड एसओजी ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। एसओजी ने जज DR मीना के समक्ष पेश किया था। जांच को लेकर एसओजी ने 8 दिन का रिमांड मांगा था। आरोपी संजय जैन के अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि एक ही मामले में 2 FIR नहीं हो सकती हैं। पुलिस कस्टडी में डरा धमकाकर वीडियोग्राफी कराना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपना राजनीतिक ओपिनियन रखता है। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर सरकार गिराने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। किसी के साथ आम बोलचाल को सबूत नहीं बनाया जा सकता है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच शनिवार को इस सियासी घटनाक्रम पर पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान आया है। राजे ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान जारी किया है। राजे ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा, ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश में कोरोना से 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और करीब 28,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, ऐसे समय में जब टिड्डी हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रही है, ऐसे समय में जब हमारी महिलाओं के खिलाफ अपराध सीमाएं लांघ दी हैं, ऐसे समय में जब प्रदेश भर में बिजली समस्या चरम पर है, और ये तो केवल मैं कुछ ही समस्याएं बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही हैं। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। कभी तो जनता के बारे में सोचिए। भरतपुर जिले के नदबई थाना में CBI टीम जांच के लिए पहुंची। CBI टीम थाने में रिकॉर्ड की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि नदबई में दर्ज हत्या प्रयास के मामले में CBI जांच के लिए पहुंची है। CBI मामले से संबंधित रिकॉर्ड की पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है। नदबई क्षेत्र में करीब 5 साल दर्ज मामले में उच्च न्यायालय ने CBI जांच के आदेश दिए थे, जिस पर टीम यहां जांच के लिए पहुंची है। अलवर जिले के निमराना में शाहजहांपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 जून को 40 लाख रुपए के टायर लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी ट्रक चालक को पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ पिलाकर टायर लूटते थे। गैंग का सरगना रहीश खान को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लूट का माल चोमू का हिस्ट्री शीटर बबलू पठान बिकवाता था। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक मोदीपुरम मेरठ से बडोदरा गुजरात 40 लाख के टायर ले जा रहा था। बदमाशों ने शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर एक्सप्रेस रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चालक हैदर खान से लिफ्ट मांगी थी और अजमेर रोड पर फौजी ढाबे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नागौर जिले के बसवाणी में पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यह वारदात सदर थाना क्षेत्र के बसवाणी गांव में हुई, जहां पति ने पत्थर से पत्नी का सिर कुचलकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बताया कि पति मांगू सिंह लंबे से गुजरात ससुराल बांसवाणी में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी मांगू सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। कोटा जिले में रिश्वतखोर तत्कालीन पटवारी को ACB कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी रंगराज पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार ACB कोर्ट ने यह फैसला 12 साल पुराने प्रकरण में सुनाया। बता दें कि आरोपी रंगराज पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकल देने की एवज में रिश्वत ली थी। जयपुर हाउसिंग बोर्ड से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार स्वर्ण जयंती उपहार योजना के बम्पर पुरस्कार विजेताओं को बोर्ड ने कार सौंपी है। बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर योजना लॉन्च की गई थी। योजना को प्रदेश भर में भारी रेस्पॉन्स मिला था। इसके तहत बोर्ड ने आज विजेताओं को 5 अल्टो AC कार और 20 एक्टिवा स्कूटर वितरित किए। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में ATM लूट का फिर से प्रयास हुआ है। जानकारी के अनुसार देर रात ATM को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन लुटेरों को इसमें सफलता नहीं मिल सकी। इससे पहले गंगरार में दूसरे ATM से लूट हो चुकी है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
नागौर जिले के पर्वतसर क्षेत्र के पिलवा पुलिस के भरसिया तिराहे पर बदमाश नाकाबंदी तोड़ भागे। बदमाशों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर बदमाशों को दूडिया सरहद पर गाड़ी सहित दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान मुकेश कानारा हरजीराम तोशिया निवासी के रूप में हुई है। यह कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जयपुर क्राइम ब्रांच ने अमेजोन पर मादक पदार्थ का ऑर्डर लेकर सप्लाई करने वाला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तस्कर की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। इसके कब्जे से 32 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी ने अमेजोन पर वीड नाम से वेबसाइट बना रखी है। इसी के जरिए यह लोगों से ऑनलाइन ऑर्डर लेकर घर पर मादक पदार्थ पहुँचाने की तस्करी करता है। आरोपी एक नामी कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र है। यह 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक गांजे की पुड़िया बनाकर सप्लाई करता है। नागौर जिले के बासनी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सदर थानाधिकारी नंदकिशोर वर्मा मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी ने बताया कि बासनी के पास कांकड़ में एक शव मिला है। यह शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर जिले के कुराबट थाना क्षेत्र के गांव बेमला में वाजनी रोड में जमीनी विवाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार एक पक्ष ने मकान में आग लगाते हुए तोड़फोड़ कर दी। करीब 7 से 8 लोगों ने मकान पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली जिले के हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र में 7 माह पूर्व हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में अज्जू नाथ को गिरफ्तार किया गया है। अज्जू नाथ ने शराब के नशे में आपसी झगड़े के बाद महिला की हत्या कर दी थी। आरोपी ने हत्या के बाद शव को बोरे में बंद कर फेंक दिया था। आरोपी अज्जू नाथ मृतक महिला की छोटी बहन का मंगेतर है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज पिंडवाड़ा स्वरूपगंज हाईवे पर रामेश्वर होटल के पास एक बाइक सवार के साथ लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों के साथ हुई हाथापाई में युवक घायल हो गया। हाईवे पर बीच रास्ते में बाइक रुकवाकर बदमाश नकदी और मोबाइल और बाइक लेकर फरार हो गए। पीड़ित इंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह गुजरात से बाइक पर बयावर जा रहा था। अलवर जिले के भिवाड़ी में सब्जी के पैसे मांगने पर गोली चलाने की जानकारी सामने आई है। सूचना मिलने पर फूलबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घर जाकर सब्जी बेचने वाले से अज्ञात ने सब्जी ले ली। सब्जी के पैसे मांगने पर उसने सब्जी वाले पर गोली चला दी, जिससे सब्जी वाला बाल बाल बच गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 8 पर छापाली के पास एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार एक मासूम सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से देवगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।